मिस आप उठिए और मुझे अपना नाम बताइए। सोनल मेहरा। मैंने आपसे कहा कि आप उठकर अपना नाम बताएं। सोनल मेहरा। मैंने आपसे कहा कि आप अपनी सीट से खड़ी हो और फिर मुझे अपना नाम बताएं। सोनल मेहरा। स्टूडेंट्स के लिए कुछ बेसिक मैनर्स होते हैं। आप 10 मिनट लेट आई हैं। आपको दरवाजे पर आकर अंदर आने के लिए परमिशन लेनी चाहिए थी, जो आपने नहीं ली। अब आप यहां से बाहर जाइए और प्रॉपर परमिशन लेकर अंदर। एक्सक्यूज मी मोहन, तुम जानते हो कि मिस्टर पूरम माथुर, आप यहां पर मेरे दोस्त या मेरे भाई नहीं। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मुझे सर कहकर पुकारिए। सर, ये सोनल है, सोनल इंडस्ट्रियलिस्ट रमणीक लाल मेहरा की बेटी। तो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए क्या अलग का अधिकार होते हैं? मिस मेहरा, आप बाहर जाइए और प्रॉपर परमिशन लेकर अंदर आइए। May I come in, sir? Yes, you may. क्लास में च्युइंग गम चबाना बैड मैनर्स है। आप बाहर जाइए और च्युइंग गम थूक कर आइए। Come on fast. Okay, students, let's start the work now. Payal? Payal, doctor ne kaha tum bilkul theek ho gayi ho. Fikar ki koi baat nahi hai. Payal, सूरज भी आया और धीरज भी तुमसे मिलने आए हैं। वो पायल, जो कुछ भी हुआ है वो सब मेरी वजह से हुआ है। आई एम सॉरी फॉर दैट। तुम भी नाराज हो शायद। भाई मैं बाहर बैठा हूँ। अकेला छोड़ दो सूरज प्लीज। लुक आफ्टर योरसेल्फ। वो ये कंबख्त नरेश में निकम्मा निकला, कभी टाइम पर नहीं आ सकता। मैं कमी? आओ। मैं तो कोई नहीं है घर में, इतनी देर क्यों लगा दी? I'm sorry, मैं। आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करना कि तुम्हें सॉरी कहना पड़े, समझे? एक तो तुम्हारा वो आदमी, उसकी वजह से मैं जेल जा सकती हूँ और अब तुम देर से आए। मैडम, उसकी गलती के लिए मैंने उसे इतना डांटा है कि आइंदा जिंदगी भर उससे कोई गलती नहीं होगी। अब बोलिए क्या करना। ध्यान से सुनो, ये पता लगाओ कि बिहारी कहाँ रहता है और उसके घर में कौन कौन है, समझे? ओके। और अगर तुम मुझे ये नहीं बता सके तो कम से कम सुखिया के साथियों में से किसी एक का पता लगाकर मुझे बता देना, समझे? मैडम, आप इस काम के लिए कितना वक्त दे सकती हैं? 2 दिन, सिर्फ 2 दिन। 2 दिन? और मैं ये वादा करता हूं कि ये काम मैं 24 घंटे के अंदर करके दूंगा। ओके, जाओ। आइए कमिश्नर साहब, तशरीफ रखिए। कहिए क्यों बुलाया मुझे? अरे खड़े खड़े सारी बातें करेंगे, बैठिए तो। वेरी गुड, अब बताइए क्या पियेंगे? मुझे पहले आप ये बताइए कि काम क्या है। बड़ी जल्दी में है, इतमान से बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, गपशप करते हैं, ऐसी क्या बात है?
देखिए, इत्मीनान से गपशप करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ठीक है, मैं जानता हूँ आप बड़े मसरूफ हैं और आज के बाद हमारी मुलाकात एक हफ्ते के बाद कोर्ट में होने वाली है, इसलिए मैं आपको बता ही देता हूँ कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया। हाँ बताइए। पृथ्वी के रिपोर्ट में आपने जो ताना बाना बुना है, मैं चाहता हूँ कि आप उस पर बरकरार रहें। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? यही कि सीता के किडनैपिंग में पृथ्वी जी का कोई हाथ नहीं है, मगर सुखिया के उन आदमियों का क्या करोगे जिन्होंने ये बयान दिया है कि पृथ्वी जी ही मेन कॉन्स्पिरेटर है। इसमें मेरे लाख झूठ बोलने पर भी इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको झूठ बोलना ही पड़ेगा, आपको डंके की चोट पर कहना पड़ेगा कि पृथ्वी जी इनोसेंट है, वरना आपको मालूम है आपका राठौड़ का क्या होगा। आपकी भलाई से कि आप अपनी उसी स्टेटमेंट पर कायम रहे कि पृथ्वी ने सीता को किडनैप ना किया ना करा, बस। वो तो सब ठीक है, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ वो आप मुझ पर छोड़ें। बिहारी और उसके साथियों का क्या होने वाला है मैं संभाल लूंगा, आप क्यों फिक्र करें? वो कैसे? दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम। आप बस अपना काम याद रखें। ठीक है, अगर आपको अपने आप पे इतना भरोसा है कि आप पृथ्वी जी को बचा लेंगे तो मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, आपको वही करना है जो मैंने कहा है। ओके, लेकिन इसके बाद मैं किसी और मुसीबत में नहीं फंसना चाहता। वेल, साहब मिस्टर खोसला साहब आए हैं। कौन खोसला साहब? वो सप्लायर है, पहले वाले साहब के पास भी आते थे। अच्छा ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। जी। हेलो। अरे आप। हेलो, हाउ आर यू? बस बढ़िया, मैं आपको फोन करने ही वाला था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, कल रात मैंने कुछ ज्यादा ही न्यूसेंस की थी। ओह नो नो, नॉट एट ऑल, फॉरगेट अबाउट लास्ट नाइट। भाई आप तो जानते हैं कि चीज ही ऐसी है। सुना बहुत था, एक्सपीरियंस नहीं था। होता है, होता है। आइए। अरे कभी कभी तो मेरे साथ भी ऐसे ही हो जाता है, तो आप ये समझिए कि हम दोनों साथी हो गए। बैठिए। थैंक यू। कहिए कैसे आना हुआ? क्या पुरुषोत्तम जी, कि मैं एक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर हूँ। हमारी कंपनी कुछ स्पेयर पार्ट्स बनाती है, ये उसकी लिस्ट है, आप इसे देख लीजिए और हमारी कंपनी को बतौर सप्लायर कंसीडर कर लीजिए। आप नए परचेज ऑफिसर हैं, इसलिए किससे माल खरीदना है तो आप ही के हाथ में है। वेल, खोसला साहब, हम टेंडर्स के जरिए ही ऑर्डर देते हैं और आपको तो मालूम है हमारे कंपनी के ऑर्डर्स करोड़ों रुपए में होते हैं। जानता हूँ, जानता हूँ, और इस बात को भी समझता हूँ कि आप हमें करोड़ों के ऑर्डर्स तो नहीं देंगे, लेकिन फिर भी आप जितने के ऑर्डर्स हमको देंगे हम उस पर आपको 10% कमीशन देंगे। बेबी पानी? नहीं चाहिए मुझे पानी वानी, चले आओ यहां से, गेट आउट। अरे बेटे पानी तो पी लो। मैंने कह दिया ना नहीं चाहिए, और जब तक नहीं पुकारो तब तक आना नहीं यहां पर। क्या बात है, हमारी प्यारी प्यारी बेटी अपने ये गुस्सा बेचारे नौकर में क्यों उतार रही थी? डैडी, आज एक सरफिरे प्रोफेसर ने मेरी बेइज्जती की, वो भी पूरे क्लास के सामने। मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। पता है मैं क्लास में सिर्फ 10 मिनट लेट पहुंची और उसने मुझसे कहा कि तुम क्लास के बाहर जाओ और परमिशन लेकर अंदर आओ। मुझे मैनर्स सिखा रहा था और पूरब ने मेरा फेवर किया तो उसे भी डांट दिया, और तो और मेरी इम्पोर्टेंट एग्जाम बाहर ठुक कराने के लिए कहा। मैं फिर क्लास में लौट कर भी नहीं गई, और उसने आपके नाम की भी परवाह नहीं की। लेकिन बेटा तुमने मेरा नाम क्यों लिया? मैंने नहीं लिया दादी, पूरब ने कहा कि ये तो इंडस्ट्रियलिस्ट रमनीकलाल मेहरा की बेटी है, तो उसे भी चुप करा दिया। दादी मैं चाहती हूँ कि आप प्रिंसिपल से जाकर मिले और उस सरफिरे प्रोफेसर से भी, और उसे बता दीजिए कि आप कौन हैं। तो बेटा उन्हें मिलूंगा और उन्हें बताऊंगा कि तुम कौन हो और मैं कौन। नाउ खेला खेला, गो टू योर रूम, चेंज, रिलैक्स, और मैं डिनर तक आ जाऊंगा। वेट फॉर मी, ओके ना?
क्या मैं ये समझूं कि आप मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं? अरे नहीं पुरुषोत्तम जी, रिश्वत लफ्ज तो बहुत पुराना है, अब तो कमीशन की परंपरा है, कमीशन की। देखिए आपसे पहले जो अफसर थे वो भी 10% लेते थे, उनके पहले जो थे वो भी 10% लेते थे, और उनके पहले भी जो थे वो भी 10% लेते थे। हम आपकी कंपनी को पिछले 10 सालों से माल सप्लाई कर रहे हैं और आज तक हमारे माल की कभी कोई शिकायत नहीं आई है। देखिए मुझे आपके माल की क्वालिटी पे कभी कोई शक नहीं है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं सर कि अगर आप हमारी कंपनी को ऑर्डर देते हैं तो किसी को भी शक ही नहीं होगा कि हमने आपको कमीशन दिया है। आखिर पिछले 10 सालों से हम आपकी कंपनी को माल सप्लाई कर रहे हैं। खुसरा साहब, अगर आपको ऑर्डर मिलेगा तो टेंडर्स के जरिए, और उसमें मैं कोई कमीशन नहीं लूंगा आपसे। सोच लीजिए पुरुषोत्तम जी, 10% कमीशन कम नहीं होता है। हमारी कंपनी आपकी कंपनी को तकरीबन 40 लाख रुपए का माल सप्लाई करती है। अब आप खुद ही जोड़ लीजिए इस पर कितना कमीशन होता है, और फिर इस रकम से आप अपनी बीवी की तमाम ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं। आप जा सकते हैं। As you wish. आइए ना। मीता नहीं आई? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। लेकिन वो तो आपके साथ आने वाली थी। नहीं नहीं, हम लोग तो डायरेक्ट यहां मिलने वाले थे। अच्छा, शायद वो आती होंगी। आप बैठिए ना, चाय लीजिए। नहीं, चाय की तो अब मैंने बिल्कुल बना के तैयार रखी है। बैठिए। मोहन के काम का आज पहला दिन है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि हम लोग बंबई में आकर बस गए हैं और मोहन इतनी अच्छी तरह से कमाने लगा है। पढ़ाई कभी जाया नहीं जाती सीता। मोहन आज जो कुछ भी है तुम्हारी वजह से है, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी कुर्बानी, इन सब ने उसे उस सांचे में ढाला है। मैं खुद को लेकर जितना निराश हूँ, तुम पर मुझे उतना ही गर्व है। लेकिन वो गया आप पर ही है, आपके उसूल, दया, धर्म, सच्चाई, सारे आप ही के गुण उसमें हैं। अच्छा वो मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहा, वरना मेरे अवगुण भी उसमें आ जाते, मैं इतने निकम्मा रह जाता वो। अब भला कौन कहेगा कि आप कभी ऐसे थे। मुझे लगता है आदमी पर औरत का बहुत असर होता है। जब आप मेरे साथ थे तो काम का नाम नहीं, और मीता ने आते ही सीधा कर दिया। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। शायद नहीं, यही सच है। मीता अभी तक आई क्यों नहीं? हेलो मीता, तुम अभी तक वहीं हो? जनार्दन, आई एम सॉरी, मैंने फोन नहीं किया। तो तुम नहीं आ रही? नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस वक्त तो मैं सो रही थी। ठीक है, तो फिर मैं आता हूँ। नहीं नहीं, अब दीदी को लेकर जाओ। तुम खुद बात करो। मीता की तबीयत कुछ खराब है। अच्छा, हेलो मीता, क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? दीदी, नहीं कुछ खास नहीं, सर में दर्द था, नींद भी आ गई। अच्छा, तो क्या मैं वहां आ जाऊं? नहीं, आप जनार्दन के साथ जाकर शॉपिंग कराइए। अरे मीता, मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी थी, मैं तो आप लोगों के साथ ऐसे ही आ रही थी। ठीक है, कोई बात नहीं, हम किसी और दिन चले जाएंगे, तुम आराम करो। अच्छा सीधा, शॉपिंग के लिए फिर कभी चलेंगे, अभी मैं चलता हूँ।
पद्मा, पद्मा, मम्मी क्या कर रही थी? मैं पढ़ रही थी। पढ़ रही थी? लेकिन मुझे तो दीवार पर कुछ लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। क्या पढ़ रही थी? नहीं, जो पढ़ दिया था उसे याद कर रही थी। किसको याद कर रही थी? मैं किसे याद करूंगी? मैं देख रही हूँ पद्मा, जब से तू हिस्ट्री टूर से लौटी है अपने आप में नहीं है। क्या हुआ है? कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं हुआ है तो अच्छा है। अपना ध्यान पढ़ाई में रख, समझी? हेलो, मैं नरेश बोल रहा हूँ, दुलारी मैडम से बात करनी। जी, आपके लिए। तो तुम्हें क्या लगा किसके लिए फोन है? मैंने समझा आपके लिए, शायद ताया जी का होगा, लेकिन किसी नरेश का फोन। तू जा अंदर, जा। मैडम, आपका काम हो गया, हमें पता चल गया कि बिहारी कहाँ रहता। शाबाश। नरेश, उस घर में कौन कौन है? जी, उसकी बीवी है, एक साल का बच्चा है और बीमार माँ उसके साथ रहती है। बहुत अच्छे नरेश, इसी तरह काम करते रहो। और सुनो, कल आकर मिल लो, ठीक है? जी, थैंक यू मैडम। ओके, बाय बाय।